सरकार आए, हमारी सरकार के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ से भारी बहुमत से विधानसभा में चुन करके जाए। इस बारे में आमंत्रण देने के लिए आया हूँ और वह दिन होगा जब एक एक घर में जाकर के हर एक मतदाता को मतदान करने के लिए हम लोग कल एक बार सभी से संपर्क करें, संवाद बनाएं। और इसीलिए मैं आज लखनऊ से विशेष रूप से आपके इस रोड शो कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान में आज जिस प्रकार की अराजकता है, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने राजस्थान को तमाम प्रकार से पीछे धकेला है, यहाँ के विकास को अवरुद्ध किया है। माफिया राज यहाँ पर स्थापित करने के लिए उन्होंने नए नए माफिया पैदा करने के कार्य किए हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पेपर लीक के नए घटनाओं का होना इस बात का प्रमाण है। आज यहाँ पे भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया और संगठित अपराध में संलिप्त लोग माफिया शासन सत्ता के इनका समाधान एक ही है, राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार आए, सरकार के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ से भारी बहुमत से विधानसभा में चुन करके जाए। इस बारे में आमंत्रण देने के लिए आया हूँ, आपका आह्वान करने के लिए भी आया हूँ कि यहाँ पर पनप रहे माफियाओं को उपचार, कोई भारत माता का वही सपूत होगा जिसका निशान भी अचूक होगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इसके सर्वथा उपयुक्त है और इसलिए कमल चुनाव चिन्ह पर। दूसरा भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत जो बोलता है वो करके दिखाता है। आज आपने देखा होगा यहाँ राजस्थान में रामनवमी में यहाँ की सरकार जुलूस पे रोक लगाती है, लाठी चार्ज करती है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, परिणाम है 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के बाद राम मंदिर बनने और भगवान रामलला के वहां पर स्थापित होने के बाद वहां दर्शन करने के इच्छुक हैं? कितने लोग हैं? से लगिए, मेहनत करिए, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और भाइयों बहनों, 22 जनवरी के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तो भाइयों बहनों, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के साथ आप सबको रामलला का आशीर्वाद बुलाने के लिए मैं स्वयं आपको आमंत्रित करूंगा। आप सभी लोग इसे मेहनत करें, किसी के जाति पाति में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और वोट काटने वाले जो लोग हैं जिन्हें कांग्रेस ने साजिश के तहत यहां पर भ्रम में डालने के लिए तमाम प्रकार के कुत्सित प्रयास किए हैं, उस साजिश का शिकार होने की आवश्यकता नहीं। आप सबका यही आह्वान करते हुए 25 नवंबर को कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम।
जय जय श्री राम। श्री राम।
है।